हमको माफ कर दो, हमसे गलती हुई। तुमसे गलती नहीं हुआ, ये कहो कि तुमको अक्ल आ गई। रेशमी जहां मोहब्बत होता है ना, वो अकल थोड़ी होता। तो उस वक्त तुम्हारा मोहब्बत कहां था? तब तुम हमको छोड़ के चला गया था। तुमको कोई अंदाजा नहीं कि हमारे दिल से क्या कयामत गुजरी। हम अभी सोच कर आए, हालात जैसा भी हम साथ रहे। और दो चार दिन में फिर से तुम चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मोहब्बत पे तुम्हारा डर कब्जा कर लेगा, है ना? हम बार बार ऐसा सदमा नहीं सह सकता, बड़ा मुश्किल से खुद को संभाला। तुम चला जाओ यहाँ से जरदा। हम चाहता था हमारा पहला औलाद बेटी हो और उसका नाम अपनी रेशमी की तरह हम रखे जिंदगी, जिस तरह उसका माँ हमारा जिंदगी है। अगर तुम जाना चाहता था तो तुम बता के तो चला जाता, ऐसे अचानक से गायब नहीं होता। हम तुमको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेंगे। अच्छा मत करो माँ, अगर हमको ये बताओ तुम हमसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत करता था, अब नहीं करता तुमसे। रेशमी, अच्छा को कुछ खाना माना है, हमको भूख लगा। तुमने खाना नहीं खाया? अच्छा चलो हम तुम्हारे लिए कुछ बना के लाते हैं जल्दी से। देश में फिर उसके बाद थोड़ा चाय माया भी। अच्छा ठीक है, तुम इधर ही बैठे रहो, हम लाते हैं। तुमने हमको धोखा दिया, हमको। हम उसकी जिंदगी बचाना चाहता था, अपने सहेली की जिंदगी बचाने के लिए हमारी पीठ पर छुरा घोंप दिया। ये तू क्या कह रहा है आलम से? वाजिबुल कत्ल लड़की का जान बचाने का मतलब समझता है? अब इसके चक्कर में हमको भी सजा मिलेगा। कौन यकीन करेगा कि हम साजिश में नहीं था? तुमसे तो हम घर जल के सारा बातें करते हैं। अभी तुम उठो रेशम, रेशम को हमारे साथ चलना होगा। रेशम कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगा। इसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, ये नहीं चलेगा तो जबरदस्ती लेकर जाएगा। खुदा से डरो आलम से, इतना जुल्म ना करो। हमारे गांव की इज्जत की हिफाजत करना तो हमारा फर्ज है। अच्छा ठीक है, रेशम हमारे साथ जाएगा। देखो रेशमी हमसे एक बार फिर पिछड़ गई, तुमने उसको रोका क्यों नहीं, क्यों जाने दिया? आलम जेब के कहने पे नहीं जाने दिया, पलवशा के कहने पे जाने दिया है। हम आलम जेब को जिंदा नहीं छोड़ेगा। रुको, ये तुम्हारा गांव नहीं है, शहर है, और पलवशा कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। सारा बाजी अभी तुम बताओ, हम रेशमी को अकेला कैसे छोड़े? अल्लाह ताला हमेशा सच का साथ देता है, उसकी जात पे भरोसा रख, परेशान मत।
आलम जेबा अलग चरते मंग दिदल तरा उख्तो उख्पला गैवे दिलपास खान तुम ये खोराशा संगे बखैर रागले बखैर कैसा है? मैं ठीक हूँ। गुलबास खान, तुम इधर? मेरे किधर जाना था? मैंने तो इधर ही आना था। अच्छा अच्छा, बैठो तो सही। पलवशा, मेहमान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करो। मैं इधर खाने पीने के लिए नहीं आया। चाचा गुलबास? वो तुम पहली बार हमारे घर आए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम तुमको कुछ कहे बगैर यहाँ से जाने दे। बस तुम जल्दी से रेशम को मेरे हवाला करो। मुझे मालूम है तुमने इसको इधर कहीं छुपा कर रखा हुआ है, और मैं खुदा की कसम सिर्फ इसी काम के लिए आया, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है यहाँ। जल्दी करो, तुम्हारा काम का बात भी सुन लेगा, परेशान नहीं हो। अभी तुम हमारा मेहमान बनकर आए। पलवशा जाओ ना, आवाज नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, खाने का इंतजाम करो। नसरीन जल्दी इधर आ। और नौकरानी को छोड़ो, तुम खुद जाकर खाना गर्म करके लाओ। हो गया ऐसा कुछ? तुम समझो हमने तुम्हारा खाना पाना सब कुछ कर लिया। अब रेशम को हमारे हवाले करो। रेशमी ठीक तो है? सरदार हम खैरियत से नहीं है, गुलबास खान यहाँ आ गया है, आलम से उसको हमारे बारे में बताने लगा है। अच्छा तुम फिक्र ना करो, हम कुछ करता है। तुम क्या करेगा, जो भी करेगा जल्दी करो, हम फोन नीचे रखते हैं वरना गुलबास खान हमारा आवाज सुनने का। तुम किधर है, तुम ठीक तो है? उसी कमरे में जहाँ पे आलम से नाम को रखा है। अच्छा तुम अपना ख्याल रखो, हम कुछ करते हैं। रेशम, आलम सेब ने हमको बचा लिया, उसने गुलबास को कुछ भी नहीं बताया, वो बीबी हमसे सच्चा मोहब्बत करता है, इसलिए तो उसने हमारा साथ दिया। हम समझ रहा था शायद वो बहुत लालची है, मगर वो बस इसीलिए सब कुछ करता था क्योंकि हम उसको कोई बात जो नहीं बताता था, हम उससे सब कुछ छुपाता था, इसलिए वो हमारे से बदला ले रहा था, और कोई बात नहीं है। हमने जरदाब को बताया था कि गुलबाज आया, फिर उसको बता दे। तुमने इतना जल्दी जरदाब को क्यों बताया, वो परेशान हो रहा होगा, तुम उसको फोन करो और उसको कह दो कि सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा हम आलमजेब के पास ही होके आता है, तुम उसको कह दो। सरदार ये रख लो। अरे बाजी ये क्या दे रहा है हमको, हम कुछ कर ले। रख लो ये लो, ये भी लो, आगे जरूरत पड़ सकती है, पता नहीं आगे क्या हालात हो, शायद तुम लोगों को छुप के रहना पड़े। क्या बात है, तुम अब भी परेशान हो? पता नहीं बाजी, हमारा दिल अंदर से बहुत परेशान है, या तो हमको परेशान रहने की आदत हो गई, मौत को करीब से इतनी बार देखा कि जिंदगी पे भरोसा नहीं रहा। नहीं नहीं, इतने नाउम्मीद क्यों हो रहे हो,
किसी दिन किस्मत तुम पे और रेशम पे लाजमी मेहरबान होगी। हमेशा बुरा थोड़ी होता है। दुआ करना, जो अल्लाह ताला करे वो अच्छा ही। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। जरदाब बहुत एहतियात करना। हम वैसा ही करेगा जैसा आपने बताया। ठीक है, जाओ। अल्लाह तुम दोनों का निगेबान हो। अल्लाह हाफिज। चलो जान छुटी तुम्हारी। एक तो तुम्हें बच्चा चाहिए ही नहीं था और फिर सोने पे सुहागा ये बेटी है बेचारी। हमारा बच्ची, अब कुछ तो देखना है। क्या करोगी देखकर? उसका वह सुनना कहाँ है? अरे अरे तुम अपने दिमाग पे तजोर ना डालो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये। हमारा बच्ची कहाँ है? आया उसे नहलाने लेकर गई है। तुम लोग उसको मारोगे? तुम्हें तो चाहिए ही नहीं है बच्चा, फिर वो जिए ही हमारे, तुम्हें इससे क्या? हमको थोड़ी देर के लिए उसको गोद में पकड़ना, उसको देखना है। ठीक है, तुम चाहो तो रात भर उसे अपने पास रख सकती हो, मगर सुबह होते ही हमारे हवाले करना होगा। हाँ, तुम जैसा करते हो वैसा ही करेगा, बस हमको अपना बच्ची देखना है। ठीक है। कैसा है तुम? ठीक है। तुमने हमारे बेटी को देखा? ये किसी को बेटी नहीं है। अब इसको छोड़ो, निकलो इधर से। हम इसको यहाँ छोड़ेगा तो वो उसको मार देगा। हमारा क्या वास्ता है इससे? वो इसको मारे या इसको जिंदा रखे। इतना साफ दिल मत बनो। देखो रेशमी, हम पहले इधर बड़ी मुश्किल से पहुंचे। आलमजेब का बंदा बाहर बैठा, अभी हम उसको जाके देखता तो अपना सामान शमान उठाओ, निकलो इधर से। चलो। जरा इसको जरा पकड़ना, हम सामान उठाते। ताला खोलता। मेरा घर, हमारा घर, उम्मीद है रहता। हाँ, सारा बाजी के जानने वाले का। वो यहाँ रहता नहीं है तो हमको दे दिया। जब तक हमारा कोई बंदोबस्त नहीं होता हम इधर ही रहे। कमरा उधर है, आ जाओ। ये
इश्क की राहों में जो भी दर बदर फिरे, सुना है हर दुआ उसी की ही असर करे। जाना तेरे दर से आ मिले जो रास्ते चले, थे बड़े कठिन मगर जो फासले मिले। गम ही मिले हैं इश्क के बाजारों में, छाई रही खिजा हम पे बहारों में। रेशमे पलोशा तो कैसा है? हम ठीक है, तुम बताओ कैसे? हम ठीक है, आओ बैठो। तुमको यहाँ का किसने बताया? तुमको जरदाद ने बताया था। तुमको पता था परवशा इधर आएगा? परवशा बैठो। तुमको पता है हमारे यहाँ बेटी हुआ है, हमने उसका नाम जिंदगी रखा, बड़ा खूबसूरत नाम है ना। आओ हम तुमको अपना जिंदगी दिखाते, आओ ना, आओ आओ इससे मिलो। हम इससे मिलने नहीं आया, हम सिर्फ तुमसे बात करने आया है। बड़ी मुश्किल से हमको मौका मिला है। तुमको हमारा बेटी देखने का कोई शौक नहीं? हाँ हमको कोई शौक नहीं तुम्हारा बेटी देखने का, और ना ही हम इसको देखना चाहता है। क्यों? क्या मतलब क्यों? इसने तेरा जिंदगी बर्बाद करके रखा है, निकाल कर बाहर कर इसे। ये जिंदगी है हमारा जिंदगी, इसका खातिर तूने जरदाब का जिंदगी अजाब बना के रखा है, बल्कि हम सब का। हमारी बात गौर से सुन, हम जल्दी इसको ठिकाने लगा देता है, वरना तेरे और जरदाब के साथ साथ हम भी मारा जाएगा। आलमजेब ने गुलबाज को फोन करके सब कुछ बता दिया। ये भी बता दे कि तू उसके बच्चे का माँ बन चुका है, वो कभी भी शहर आ सकता है। रेशमे अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। हमसे यह अलग नहीं होगा जरदाब। हमसे हो जाएगा? नहीं कभी नहीं। तो फिर तुमको हम में से एक को चुनना होगा, ये या फिर हम। हमको ऐसे इम्तिहान में क्यों डालता है? माँ का मोहब्बत और बीवी की मोहब्बत में फर्क होता है। मोहब्बत मोहब्बत होता है, उसमें फर्क सिर्फ नफरत डालता है। रेशमी हमको इससे नफरत है। तुम हमसे तो मोहब्बत करता है ना, ये भी तो हमारे वजूद का एक हिस्सा है, इसे क्यों नहीं करते? ये किसी और का खून है। इसमें हमारा खून भी तो है ना। अच्छा तो फिर बताओ इसके बाप का नाम क्या होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है? जन्नत तो माँ की बाहों के नीचे होता है ना, इसी वजह से हमारा जन्नत है। जन्नत के ख्वाब में मोहब्बत को जलील मत करो। तुम मोहब्बत में अंधा होके काफिर बनेगा। रे तुमने क्या छोड़ा हमारे पास? सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना भाई, अपना माँ, हमारा अपना जिंदगी। अभी तुम हमारे लिए कुर्बानी नहीं देगा? जिंदगी हम किधर जाएगा? उसको तो छोड़ के आ गए, लेकिन अब हम किधर जाएगा? दोनों मर जाते, मर जाते तो सबका जान छूट जाएगा। मरना चाहती हो? मरो, ठीक है, आ जाओ गाड़ी के नीचे।
चलो, किस चीज का इंतजार कर रही हो? एक मिनट, ये तुम्हारी गोद में ये कौन है? क्या लगता है तुम्हारा? ये हमारा बेटी है। बेटी? इससे पूछा ये मरना चाहती है या नहीं? इसको क्या पता, ये तो बहुत छोटा है अभी। तो इसको बड़ा होने दो। अगर ऊपर जाके इसने पूछा कि तुम्हें किसने इख्तियार दिया है मेरी जिंदगी खत्म करने का, तो क्या जवाब दो बोलो? वैसे यहाँ बहुत शोर है, घर चले? देखो, फिर जो तुम्हारे दिल में आए कर लेना, मेरे पास खुदकुशी करने के इससे बेहतर तरीके हैं। चलो आओ। कैसी है अब जिंदगी? अब ठीक है, वो सुकून से सो गया है। रेशम, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी कहानी दुनिया को सुनाओ, जैसे तुमने अपनी कहानी मुझे सुनाई और मुझ पर असर हुआ है, इससे दुनिया पर भी बहुत असर होगा। हम इतना बड़ा दुनिया को अपना कहानी कैसे सुनाएगा? अरे सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। तुम्हारा एक वीडियो माशरे को हिलाकर रख देगा। हम वीडियो पे अपना हर बात कर लेगा। हाँ हाँ, बताओ कि तुम्हारे यहाँ औरत पर कैसे जुल्म होता है, मर्द किस तरह औरत को अपना गुलाम बनाकर रखता है, उनकी चीर फाड़ करके रखता है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। नहीं, हम अपना कबीला, अपना लोगों के खिलाफ दुनिया के सामने नहीं बोलेगा। हम उनका बदनामी का वजह नहीं बनेगा। जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, तुम उनके खिलाफ नहीं बोल सकती? जमाल साहब, आपका एहसान बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपना लोगों का इज्जत दुनिया के सामने खराब नहीं करेगा। इज्जत? कौन सी इज्जत? उनकी क्या इज्जत? वो इज्जत जिसके लिए तुम अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर मरने चली थी, उनकी इज्जत की हिफाजत करोगी जो अपनी बेटी की खुशियां चंद रुपयों के बस बेच देते हैं और तुम्हारे सर को हिलाकर कबूल करवा लेते हैं? तुम उनकी इज्जत का ठेका लोगी? इज्जत माय फुट। रेशम जी, यही तुम जैसी औरतों का मसला है, जिनके अंदर कदरों का चौकीदार बनने का इतना शौक, इतना जज्बा है कि चुप रहो, तड़पते रहो, सुलगते रहो, चलते रहो, लेकिन मुंह बंद रखो अपना। तो रखो अपना मुंह बंद और अपनी जिंदगी के साथ भी वही करना, वो भी यही कुछ फेस करेगी जो तुम कर रही हो। इस तरह तो ना तुम्हारी किस्मत बदली है, ना तुम्हारी जिंदगी की किस्मत बदलेगी। क्या देखा है तुम? हमारा बच्ची पे नजर लगाएगा तुम? हमारे पास तो कुछ है भी नहीं कि हम इसका नजर का टीका लगाएगा। हाँ, फिर किसी का नजर नहीं लगेगा, हमारा भी नहीं लगेगा तुम पे। तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा, तू ही मुश्किल कुशा है मेरे खुदा, कर सुरखुरू जो इश्क के हैं। आप तुम चुप करके सो जाओ, अब तुम चुप करके सो जाओ। सो गई गुड़िया, अब तुम इधर बैठो अपने बाबा के पास, मिठाई बना के आता है।